मैं कॉलेज के लिए भाईकला जाता हूँ, फर्स्ट क्लास से ट्रैवल करता हूँ, लेकिन ट्रेन का भाड़ा इतना बढ़ चुका है कि अभी बहुत प्रॉब्लम होता है। वैसे भी घर का फाइनेंशियल कंडीशन देखा जाएगा तो थोड़ा वीक है, लेकिन अभी मोदी सरकार के आने के बाद से और बढ़ते जा रहा है। पता नहीं और कितना कितना पैसा और बढ़ेगा ट्रेन का। हम लोग को बहुत तकलीफ़ हो रहा है। 20 के आगे देखो अभी आगे क्या होता है। तो रेलवे का भाड़ा बढ़ा ना, उसके विषय में, रेलवे का भाड़ा बढ़ा है तो अभी इतना नहीं बढ़ना चाहिए। अगर बढ़ा है तो अभी क्या हो सकता है, फ्यूचर के लिए वापस फ़ायदा भी हो सकता है, उसके लिए क्या बोल सकें। अभी हो सकता है जो घाटा बता रही है पहले की सरकार वो अभी माइनस हो सके, लेवल हो सके। अभी वो तो क्या है संसद के हाथ में, अपन क्या बता सके रेलवे का तो। पर फिर भी बढ़ा है तो बढ़ा है, अभी घाटा करके तो कैसे क्या होगा। थोड़ा कम होना चाहिए, एकदम से इतना नहीं बढ़ना चाहिए, बात ये है। बाकी तो क्या है कि अभी भाड़ा बढ़ाया नहीं, परोड़ता है तो बढ़ाता है। अभी कोई भी धंधे में नहीं परोड़ता है तो बढ़ाना भी जरूरी है। वाढले रेलवे भाड़ेचं, ते एवढं वाढायला नाही पाहिजे। राज्याने एवढं वाढवलं, सामान्य माणसाने करायचं काय? एकदम दुप्पट पैसे वाढवल्यानंतर सामान्य म्हणून विचार करणार ना, जायचं का नाही जायचं। नॉर्मली माणूस थोडं ठीक आहे, एकपट वाढवलं, पर पूर्ण दीडपट का दोनपट वाढवलं ना, त्याच्यामुळे कसं सामान्य माणूस काय करतो, मग शेअरिंग करून आपल्या रिक्षाने जातो। पण ट्रेनचा एवढा मोठा गव्हर्नमेंट प्रोसिजर असून, रेल्वे सेंट्रल गव्हर्नमेंट असून उपयोग नाही ना, त्याच्यापेक्षा मग आपल्या रिक्षाने शेअरिंग करून माणूस प्रवास करू शकतो। त्याबद्दल त्या व्यक्ती करतो आहे, एवढं गव्हर्नमेंटने वाढवलं नाही पाहिजे। ओके, सब चीज का सब लोग का ही बढ़ाना मांगता है ना। बढ़ाओ तो सब लोग का बढ़ाओ या मत बढ़ाओ, हर हर एक धंधे वाले का। नई सरकार है तो उनको सस्ता करना मांगता था हर महंगाई। अभी डबल ट्रिपल हो गया भाड़ा, उसके ऊपर क्या फिर भाड़ा भी इतना महंगा, हर एक चीज़ का, रूम का भी भाड़ा, दुकान का भी भाड़ा, सामान लाने जाओ उसका भी पैसा। लेकिन क्या है कि इसमें जो है जो भाड़ा बढ़ा है ना, आदमी की आमदनी तो उतनी कितनी है, महंगाई बढ़ती जा रही है, कोई चीज़ की मतलब ऐसा नहीं है। इसलिए मैं ऐसा एक चीज़ है, अगर समझो कोई चीज़ अगर 5 रुपये बढ़ गया तो आने वाले समय में 2 रुपये या 3 रुपये नहीं हो, 5 के बदले वो 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन आदमी की आमदनी उससे जो है और घटती जाती है, जो महंगाई आ रही है ना सामने और बढ़ती जाती है, तो आदमी के ऊपर बहुत जाहिर बात है।